नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रामनगरी अयोध्या में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीताराम विवाह महोत्सव की धूम रही। श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में कई मंदिरों से निकाली गई सुभव्य राम बारात। बारात में बैंड बाजे, बग्गी घोड़े सब रहे और ये राम बारात अयोध्या के प्रमुख मार्ग से होते हुए वापस बारात अपने मंदिर पहुंची, जहां से राम बारात ने राम बारात में भक्तगण नाचते गाते देखे। जगह जगह राम बारात का स्वागत सम्मान किया गया। इस बारात में गाजे बाजे व रोड लाइट के साथ बारात निकाली गई। कहीं भगवान श्री सीताराम के स्वरूप रहे तो कहीं भगवान श्री राम के विग्रह के साथ बारात निकाली गई। राम बारात में हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल रहे। भक्तिमय गीत संगीत पर भक्तगण नाचते गाते झूमते दिखे। यहाँ के दशरथ महल, विहूति भवन, जानकी महल, कनक भवन, मंत्रार्थ मंडपम आदि दर्जनों मंदिरों से भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। शाम से लेकर मध्य रात्रि तक मठ मंदिरों में धार्मिक आयोजनों और भगवान श्री सीताराम का विवाह का कार्यक्रम संपादित हुआ। राम विवाह उत्सव के चलते पूरी अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके चलते पूरी अयोध्या में पर्व मेले का नजारा रहा। राम विवाह महोत्सव में अयोध्या राममय हो गया। महाराज जी, आज उत्सव को लेकर देखिए, ये बहुत ही सुखद क्षण है और आज ही की तिथि पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह हुआ था और जनकपुर बारात गई थी। तो हर मंदिरों की अपनी अपनी परंपरा है विवाह का, जैसे जो भी जैसे कार्यक्रम होता है तो हर मंदिर अपने हिसाब से प्रोग्राम कर रहे हैं। मर्यादा में भगवान के विवाह में, सीताराम के विवाह में सारा कार्यक्रम चल रहा है और यही कहूँगा कि ये जो भी समाज है, जैसा भी समाज चल रहा है, इसे सीख भी ले, समाज को सीख लेनी चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़े और भगवान राम के पदचिन्हों पे चलने का प्रयास करे। महाराज जी, जो बारात जो निकलेगी, किस तरीके से बारात जो है शोभा यात्रा निकलेगी और क्या कार्यक्रम होंगे मंदिर में? देखिए, इसमें विशेष क्या है, गाजे बाजे के साथ बारात निकलेगी, भगवान के रूप में वहाँ पर गाड़ी पे विराजमान होंगे और एक शोभा यात्रा जैसे निकलती है आपकी, भगवान की पूरे जोश और उल्लास से पूरी बारात निकलेगी भगवान की। तो मंदिरों में क्या कार्यक्रम? मंदिरों में इसी को लेकर प्रोग्राम होगा, जो राम विवाह को जैसे विवाह होता है ऐसे विवाह का सारे मंदिरों में प्रोग्राम होगा। शिष्य आएंगे विवाह में जो है, आएंगे जो भी हर तरीके से अपनी मदद कर सकें करेंगे हर मंदिरों को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कल क्या कार्यक्रम? कल क्या कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो मैं सभी को, पूरे भारतवासियों को राम विवाह पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। सबके जीवन में उल्लास हो, सब दीर्घायु हो, प्रसन्न रहें और कोरोना से जितना बच सके बचें, इससे देश की तरक्की आगे हो और भगवान के पद चिन्हों पर चलते हुए राम राज की स्थापना। क्या नाम आपका? महंत विवेक आचार्य, दंड धावन कुंड आचार्य मंदिर अयोध्या। यहाँ पे आयोजित हो रहा है ये शादी का सालगिरह मनाते हैं, ऐसे हम लोग भगवान की शादी का सालगिरह हर साल मनाते हैं। क्या मेरा नाम सावित्री दास है।